वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरा लाहौर, सेहत सहूलत कार्ड तकसीम की तकरीब बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को सेफ सिटी लाहौर के दायरा कार्ड पर ब्रीफिंग दी जाएगी। गवर्नर और वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुलाकातें शेड्यूल, वज़ीर-ए-आज़म पंजाब काबीना के इजलास की सदारत भी करेंगे। मैं इस बात का हामी नहीं हूँ कि मौलाना फजल रहमान पर, वैसे ही उसको धर लेना चाहिए, नक्श अमन नामा के तहत वही काफ़ी है। अगर वो धरने की सोच लेकर इस्लामाबाद आए तो इस दफ़ा वो धर लिए जाएंगे, सरकारी मेहमान होंगे। फजलुर रहमान पर आर्टिकल 6 लगाने का हामी नहीं, लेकिन वो धरने की सोच लेकर इस्लामाबाद आए तो धर लिए जाएंगे। शेख रशीद की वार्निंग, कहा रेलवे की जमीन किसी के बाप की नहीं, जो जगह हमारी है वो वापस लेंगे। जो तजावुजात खत्म करने के खिलाफ लेटना चाहता है लेट जाए, वासे कर दिया, रावलपिंडी में किसी भी जमीन पर कोई कब्जा नहीं। 140-40 फुट हमारी जगह, किसी के बाप की जगह नहीं है, और मेरे शहर में एक इंच एक मरला जमीन कोई भी कब्जे में नहीं है किसी। कराची को खूबसूरत बनाने का केस, सुप्रीम कोर्ट 21 फरवरी को एक और बैठक लगाएगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील, विफाक सिंध कंटोनमेंट के नुमाइंदगान अमल दरामद रिपोर्ट पेश करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं माहम जाहिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आपको बताएंगे नैब ने शरीफ फैमिली के दफातर पर कुछ देर पहले छापा मारा है। ऐसा दावा किया है कि नून लीग की तर्जमान मरियम औरंगजेब ने, आपको बता चलें नैब ने शरीफ फैमिली के दफातर पर कुछ देर पहले छापा मारा है। ऐसा दावा किया गया है नून लीग की तर्जमान मरियम औरंगजेब की जानिब से। तफसीलात जानेंगे आरिफ मलिक से। आरिफ बताइएगा, कुछ पता चल सका किस वजह से छापा मारा गया? जी, ये शरीफ फैमिली के जो ऑफिस हैं मॉडल टाउन में मुख्तलिफ कंपनियों के हवाले से, तो वहाँ पे ये रेड किए गए हैं, क्योंकि वहाँ पे शरीफ ग्रुप्स के कई आला अहदेदार वहाँ पर मौजूद थे, और वहाँ पर ये नैब की जानब से छापा मारा गया है। और मरियम औरंगजेब ने ये कंफर्म किया है कि वहाँ पे छापा मारा गया है, और वहाँ पर जो आला अहदेदारान थे उनसे पूछगिछ की गई है, जो कि मुख्तलिफ कंपनियों के हवाले से जो खासा जात है उस हवाले से पूछा गया है कि जो उनकी कुछ मॉल्टन में जो जमीन है और कुछ उनके जो कंपनीज हैं शुगर मिल्स के हवाले से और दूसरी दीगर जो कंपनीज है उस हवाले से पूछताछ की गई है। वहां पर ये रेड किया गया और कुछ सामान भी वहां से उन्होंने जब्त किया है, कुछ रिकॉर्ड लिया गया है नैब के ऑफिशियल्स ने वहां से उन आला अहदेदारों से। तफसीलात पूछी जा रही है, आरिफ मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब हमें ज्वाइन कर चुकी है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मरियम साहिबा बताइएगा, क्या नोटिस कोई जारी किया गया था इससे काबिल छापा मारने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वो हकूमत है जिसको ना कोई कानून से गरज है और ना किसी किस्म के कायदे से, ये माफिया हकूमत है। क्योंकि खुद मुझे ये बताया जाए कि 18 माह से ये छापे जारी हैं, 18 माह से लोगों को जेलों में डाला हुआ है, 18 माह से इस तरह के रेड किए जा रहे हैं, और जो आज लेकर गए हैं वो बताएं आवाम को कि हम ये चीज लेकर गए हैं। ये तमाशे और ड्रामे करने से जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार, जो कि पाकिस्तान के आवाम की रोटी आटा और चीनी खा गए, जिन्होंने पाकिस्तान के आवाम के हक के ऊपर डाका डाला, आज तक इमरान माफिया की जरूरत नहीं है कि उनके मिलों की रेड हो, उनके मिलों की तलाशी हो, क्योंकि वहाँ आवाम का पैसा, आवाम के आटे और चीनी की बोरियां मौजूद हैं। ये माफिया है, ये चोर है, ये नैब न्याजी गठजोड़ जो शहबाज शरीफ साहब कहते थे, ये उसकी एक और किस्त है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ आपके तवस्त से पाकिस्तान की आवाम इमरान माफिया चोर करप्ट आज जिस नहज पे पाकिस्तान पहुंच चुका है, इन्हीं ड्रामों इन्हीं तमाशों की वजह से पहुंच चुका है। इस तरह की हरकतें करने से, इस तरह के तमाशे करने से, इस तरह के ड्रामे करने से इनकी जो करप्शन है, इनकी जो चोरी है, इनकी नाअहली और नालायकी छुप नहीं सकती, पाकिस्तान की आवाम सब जान चुकी है। इसलिए मरियम साहिबा शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, तो छापा तो नैब मार सकती है। देखिए मेरी बात सुनिए, जी जी, मारने का छापा होता है, एक कानून होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ना इस हकूमत के पास किसी किस्म का कोई कानून कायदे की इनको कोई गर्ज है, ना इनको कोई मतलब है। आप लोगों को उठा के ले जाएं दिन दहाड़े, आप लोगों का रिकॉर्ड ले जाएं दिन दहाड़े, तो आप बताया जाए कि हम छापा मारने आ रहे हैं, हम रेड मार, उसका तरीका होता है, उसका एक कानूनी तरीका की कोई तरीका होता है, कायदे जवाबित होते हैं। क्या आपको कुछ पता है कि क्या कुछ सामान लेकर गए? जी बताते नहीं है। अच्छा। ये इनकी वारदात का तरीका होता है, अंदर से चाहे कुछ मिला हो या ना मिला हो, क्योंकि 18 महीने से ये रेट जारी है,
लोग जेलों में हैं, मुलाजमीन जेल में हैं, गरीब लोग, गरीब मुलाजमीन जो हैं वो इस वक्त इनकी हिरासत में है नैब के। ये बताते नहीं है, ये सिर्फ तमाशे और ड्रामे करने के लिए ये हरकतें करते हैं ताकि पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाया जाए, जैसे मैंने पहले कहा। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि बताकर छापा मारा जाए? मैं ये कह रही हूँ कि इन तमाशों से, इन छापों से, इन रेड से ना पाकिस्तान की आवाम अब और बेवकूफ बनेगी और ना इन तमाशों से हमें किसी किस्म का ये लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा मरियम साहिबा, ये भी बता दीजिएगा कि ये कार्रवाई कब तक जारी रही, कितनी देर तक नैब तफ्तीश करती रही, कितने अफसरान आए, क्या कुछ आपको आइडिया है? देखिए, दो ऑफिसर्स में 6 गाड़ियों के साथ ये लोगों ने रेड किया और अंदर गए। ये ना इस तरह की हरकतें ये करते हैं, ना ये बताते हैं कि ये अंदर क्या लेकर आए, क्या वहां से लेकर गए। और मेरी बात सुनो, 18 माह से तो ये 1 रुपए की करप्शन या 1 रुपए का जो झूठे इल्जाम में लोगों को अंदर किया हुआ वो तो साबित नहीं कर सके। अब इनके पास सिर्फ ये तमाशे करने के लिए रह गए और इसका मुकाबला भी हम डटकर करेंगे। जी बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहिबा, आप इस हवाले से हमारे साथ मौजूद। अभी के लिए इतना ही, एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम न्यूज़ बीट। देखते रहिए समा।